हेलो एवरीवन, माय नेम इज हसन अली एंड वेलकम टू द टॉपिक। सो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूएक्स डिजाइन प्रोसेस। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था कि यूआई क्या होता है, यूएक्स क्या होता है और उसका डिफरेंस क्या होता है। तो हम एक छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं। तो जैसा कि हम अपनी कॉमन लाइफ में एक वर्ड यूज करते हैं कि लुक एंड फील, यार इस प्रोडक्ट की लुक एंड फील बहुत अच्छी है। तो एक्चुअल में क्या है कि फील जो है वो यूएक्स है, यूजर एक्सपीरियंस है, कि आपको उसको यूज करने के बाद फील कैसा होता है। और लुक क्या है, वो यूआई है, कि आपको दिखता कितना प्यारा है। अगर वो खूबसूरत दिखता है, उसकी अट्रैक्टिव है, तो आप उसको यूज करने की कोशिश करेंगे। तो ये दोनों चीजों को होना बहुत जरूरी है। सो अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, वो ही यूएक्स डिजाइन प्रोसेस। इसमें हम देखेंगे कि यूएक्स डिजाइन प्रोसेस क्या होता है, इसका प्रोसेस क्या होता है, इसमें स्टेप्स क्या होते हैं। तो बिना किसी इंतजार के स्टार्ट करते हैं। हमने लास्ट क्लास में यूआई यूएक्स को कवर किया था। आज हम देख रहे हैं यूएक्स डिजाइन प्रोसेस। यूएक्स डिजाइन प्रोसेस के काफी प्रोसेस हैं, काफी तरीके हैं। हर डिजाइनर का अपना अलग प्रोसेस भी हो सकता है और काफी सारे प्री डिफाइंड प्रोसेस हैं जिनको यूज करके हम यूएक्स डिजाइन करते हैं। तो हम देखते हैं कि हम कौन सा प्रोसेस यूज करें। यूएक्स डिजाइन प्रोसेस के 6 स्टेप्स हैं, बेसिक्स। पहला स्टेप हमारा है अंडरस्टैंड, हम प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करेंगे। सेकेंड स्टेप में हम उस प्रोडक्ट की रिसर्च करेंगे, ठीक है, और थर्ड स्टेप में हम एनालाइज करेंगे। चौथा स्टेप हमारा होगा डिजाइन का, फिफ्थ स्टेप होगा हमारा लॉन्च का, और जो सिक्स्थ स्टेप होगा अगेन एनालाइज का। सो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम अंडरस्टैंड करेंगे कि प्रोडक्ट में मसला क्या है, या जो यूजर है या जो कंपनी है वो क्या गोल अचीव करना चाहती है इस प्रोडक्ट के थ्रू। तो इस पहले स्टेप में हम ये देखेंगे कि हम अंडरस्टैंड करेंगे उस प्रोडक्ट की क्या परेशानी है, क्या उसमें पेन पॉइंट्स है, क्या इश्यूज आ रहे हैं। ये सारे चीज़ें हम अपने फर्स्ट स्टेप में मालूम करेंगे, ठीक है। इस प्रोडक्ट को अंडरस्टैंड करना है कि इसके यूज़र कौन है, ठीक है, और क्या कहते हैं इस प्रोडक्ट में मसला क्या आ रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, या कंपनी क्या गोल अचीव करना चाहती है इस प्रोडक्ट के थ्रू, या इस मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू, या इस वेबसाइट के थ्रू। तो हमने पहले स्टेप में इसकी प्रॉब्लम को मालूम करना है। जब आपको प्रॉब्लम मालूम हो जाएगी तो ऑब्वियसली बात है कि आप उसको तभी सॉल्यूशन दे पाएंगे, ठीक है। तो जब एक प्रॉब्लम आपको पता चल गई, उसके बाद आप उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे, राइट। साथ साथ हमने ये भी देखना है कि जो आपका प्रोडक्ट, आपका जो ब्रांड है, वो आपके प्रोडक्ट के साथ किस तरह से अलाइन हो रहा है। तो इन शॉर्ट क्या करना है कि इसमें आपने प्रोडक्ट को समझना है कि प्रॉब्लम क्या आ रही है, और साथ साथ ये भी देखना है कि जो कंपनी के गोल्स हैं वो क्या फुलफिल हो रहे हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू, और नहीं हो रहे तो उसका सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। सो बढ़ते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ, रिसर्च। रिसर्च में हम क्या करेंगे कि आप इस प्रोडक्ट के रिलेटेड थोड़ी रिसर्च करेंगे, हम मालूमात करेंगे अपने कॉम्पिटिटर्स की, ताकि और प्रोडक्ट को हम अच्छे तरीके से जान सकें, ठीक है। एज अ यूएक्स डिजाइनर आपके काफ़ी सारे थॉट्स होंगे, अजम्पशंस होंगे इस प्रोडक्ट को लेके, लेकिन हमने स्टार्ट में एज अ यूजर बन के नहीं सोचना है, ठीक है। हमने ये नहीं सोचना कि अगर मैं यूजर होता तो मैं ये करता, ठीक है, हमने बिल्कुल नहीं सोचना। हमने इंटरव्यू करने, हमने सर्वे करने, हमने फोकस ग्रुप्स करने। बात करते हैं रिसर्च की, हमारे पास दो किस्म की रिसर्च होती है, एक क्वालिटेटिव होती है, एक क्वांटिटेटिव होती है। क्वालिटेटिव में क्या होता है कि आप यूँ समझ लें कि वाई वी आर डूइंग दिस, हम ये क्यों कर रहे हैं। जब आप इसका सवाल ढूंढ लेंगे ना, तो उसमें आपको काफ़ी सारी रिसर्च मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, आप इसमें यूज़र के पेन पॉइंट्स ढूंढेंगे। अब पेन पॉइंट्स क्या होते हैं, पेन पॉइंट्स ये होते हैं कि जब फॉर एग्जाम्पल अगर आप कोई ऐप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको उस ऐप यूज़ करने में मसला क्या आ रहा है, आपको किधर ज़्यादा परेशानी हो रही है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आप एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हैं और उसमें ई कॉमर्स की एप्लीकेशन है, और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट कैसे करना है, तो ये एक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इसी तरह की सारी प्रॉब्लम्स हम यूज़र से मालूम करेंगे। वो कैसे होगा कि इंटरव्यू कंडक्ट होंगे, कॉम्पिटिटर्स भी देखेंगे कि हमारे कॉम्पिटिटर्स कैसे हैं। तो क्या होता है कि जब हम कॉम्पिटिटर्स की ऐप, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे बात करते हैं ई कॉमर्स की, तो हमारे दिमाग में लोकली क्या आता है, Draaz.pk, या ऐसी जो भी दूसरी ई कॉमर्स वेबसाइट्स हैं वो हमारे दिमाग में एकदम से आती हैं, ठीक है। तो वो ऐप भी हमने साथ रखनी है। तब तक जब हम इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे होंगे, तो हम यूज़र को ऐप दिखाएंगे, और हम ये भी पूछ सकते हैं उससे रिसर्च में कि भाई आपको इस ऐप में क्या अच्छा लगता है, या आपको इस ऐप में सबसे ज़्यादा पेन पॉइंट क्या होता है। तो क्या होता है, कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है कि जब हम कॉम्पिटिटर्स को भी देखेंगे ना,
तो हमारी रिसर्च करना थोड़ी हमारे लिए आसान हो जाएगी। हमें सवाल बिल्कुल क्लियर होंगे कि हमें यूजर से पूछना क्या है इंटरव्यू में। क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या करेंगे हम कि भाई कॉम्पिटिटर्स को भी देखेंगे यहाँ पर और दूसरी चीज़ें भी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। दूसरी रिसर्च की तरफ बढ़ते हैं, वो है क्वांटिटेटिव। किस वर्ड से निकला है? क्वांटिटी से। इस स्टेप में क्या करेंगे हम पर्सन टू पर्सन इंटरव्यू कर सकते हैं इसमें, और अगर आप लोकल मार्केट के लिए कर रहे हैं तो आप इजीली जो है वो पर्सन टू पर्सन इंटरव्यू कर सकते हैं, सर्वे कंडक्ट कर सकते हैं। और इसमें आपने मिलियंस ऑफ यूजर्स का इंटरव्यू नहीं करना है, आपने ऐसा नहीं है कि 10 लाख यूजर्स का जाके इंटरव्यू कर लिया। आपने क्या करना है, एक ग्रुप ऑफ पीपल बनाने, आपने एक कुछ लोगों का जो है एक ग्रुप बनाना है, और वो ग्रुप कौन सा होगा कि आपने रिसर्च जो करी है कि भाई आपको पता चल जाएगा कि आपके यूजर इस तरह के हैं, इतने से इतने साल के हैं, आपने एक टारगेट ऑडियंस होगी ना आपकी, तो आपने इसमें टारगेट ऑडियंस ढूंढनी है। और टारगेट ऑडियंस ढूंढने के बाद उनमें से कुछ बंदे लेके, मतलब आपसे आप स्टार्ट जो अपनी रिसर्च कर सकते हैं वो 10 से 15 लोगों से भी कर सकते हैं। तो आपने ऐसा नहीं करना कि आपने मिलियंस ऑफ यूजर्स को जो है रिसर्च करना शुरू कर दिए। और अगर आपका इंटरनेशनल प्रोडक्ट है तो ऑब्वियस ये बात है कि आप हर जगह तो जाके इंटरव्यू कंडक्ट नहीं कर सकते, पर्सन टू पर्सन तो इंटरव्यू नहीं कर सकते। तो बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं जिसके थ्रू आप जो है वो ऑनलाइन अपनी यूजर रिसर्च भी कर सकते हैं। इन शॉर्ट सिंपली आपने एक ग्रुप बनाना है, जिस ग्रुप में आप ये देखेंगे कि जो आपके यूजर्स हैं उसके हिसाब से जो आपके टारगेट ऑडियंस है उनका एक छोटा सा ग्रुप बनाना है 10 से 15 अफराद का, और आपने उनके इंटरव्यू कंडक्ट करना है। क्या भाई आपने उनसे पूछना है भाई आपका पेन पॉइंट्स क्या है, आपकी प्रॉब्लम क्या आती है, अगर आपका कोई कॉम्पिटिटर है तो उसकी ऐप के थ्रू आप और अपने सवाल आसानी से कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जो इतने से जो आप ग्रुप फोकस ग्रुप जो करेंगे इन इन लोगों से ही आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल जानी। आपने लाखों हजारों करोड़ों यूजर्स का इंटरव्यू नहीं कंडक्ट करना है। बढ़ते हैं अपने तीसरे स्टेप की तरफ, एनालाइज की तरफ। एनालाइज में हम पहली विजुअल रिप्रेजेंटेशन करेंगे प्रोजेक्ट की। उसमें क्या होगा कि हम इसमें एक पर्सोना क्रिएट करेंगे। अब पर्सोना क्या होता है? पर्सोना एक फिक्शनल कैरेक्टर होता है, एक ख्याली कैरेक्टर आप क्रिएट करेंगे कि भाई इस कैरेक्टर का फलाना नाम है और इसका बिहेवियर इस तरह का है, इसकी ये खासियत है, ये प्रोडक्ट यूज करने वाला है, इसका इंटरेस्ट इस तरह का। एक हम एक यूजुअली एक चीज बनाते हैं, मैं आपको एक सैंपल दिखाता हूँ। ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो हमने क्रिएट किया, ठीक है। एक फिक्शनल कैरेक्टर की हमने एक पिक्चर दिखा दी कोई भी, यहाँ पे बायोग्राफी दिखा दी उसकी, यहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में हम बता रहे हैं कि भाई वो इंट्रोवर्ट कितना है, एक्सट्रोवर्ट कितना है, एनालिटिकल कितना है, क्रिएटिव है या नहीं है, इस तरह की हम सारी चीज़ें लिखेंगे। यहाँ पर हम उसकी एज डिफाइन करेंगे कि भाई वो वर्क पर्सन है या होम पर्सन है, जो भी हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड होगा, राइट। तो ये पर्सोना जो क्रिएट कर रहे हैं हम, ये हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होगा। हम जो हमने टारगेट ऑडियंस जो बनाई थी ना, उसमें से एक फिक्शनल कैरेक्टर बना देंगे कि भाई इसकी एज ये है, इसका बिहेवियर इस तरह का है, ये प्रोडक्ट यूज करता है, और इसके गोल्स ये हैं, और उसकी फ्रस्ट्रेशन क्या है, जो मैंने पेन पॉइंट्स बताया था वो फ्रस्ट्रेशन है कि भाई उसको मसला कहाँ पर आ रहा है। जब आपके पास ये सारी चीज़ें होंगी तो आपको एनालाइज करने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो साथ साथ हम ये देखेंगे इसकी मोटिवेशंस क्या हैं, क्या इसको प्राइस मैटर करती है, क्या इसको कोई जो है कंफर्ट मैटर करती है, स्पीड मैटर करती है, लॉयलिटी है, ये सारी चीज़ें हम इस जो है कैरेक्टर की, एक फिक्शनल कैरेक्टर की बनाएंगे, ठीक है, ताकि हमें आगे रिसर्च करने में आसानी हो। साथ ही साथ इसके हम प्रेफर्ड चैनल भी देखते हैं। अगर हम कोई मोबाइल एप्लीकेशन की बात करें तो हम उसको ये भी देखने की ज़रूरत है कि यार वो बंदा मोबाइल यूज़ करता भी है या नहीं। हमने कुछ ऐसा करेक्टर बना दिया जो मोबाइल ही यूज़ नहीं करता या बड़ा पुराना मोबाइल यूज़ करता है, तो उसके लिए पर्सोना क्रिएट करना बेकार है। तो हम क्या करेंगे, हम यही इसमें जो रिसर्च में हमने सब देखना है कि भाई वो मोबाइल यूज़र है, कितना परसेंट मोबाइल यूज़ करता है, कितना परसेंट टीवी यूज़ करता है, सारी इस तरह की जो है वो आपको इंटरव्यू में सारे रिसर्च मिलेगी, ठीक है। इसके गोल्स मालूम करने हैं, गोल्स लिखने हैं हमने कि भाई इसका गोल है क्या एक्चुअली, कि ये किसी जगह पे जो है टाइम ज़्यादा करता है, ट्रैवलिंग इसका जो है वो गोल है, या ये अर्निंग इसका गोल है, ये सब एक फिक्शनल कैरेक्टर आपने बना लेना है, ठीक है। ये हमारा बन जाता है एक तरह से पर्सोना। तो बढ़ते हैं हम अपने चौथे स्टेप की तरफ, डिज़ाइन। डिज़ाइन प्रोसेस में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पर बनाएंगे यूज़र फ्लो, यूज़र जर्नी मैप्स, और साथ में हम स्केच करेंगे, वायर फ्रेम क्रिएट करेंगे, हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम भी हो सकते हैं, लो फिडेलिटी वायर फ्रेम भी हो सकते हैं। उसके बाद हम डिज़ाइन करेंगे, मॉकअप क्रिएट करेंगे, देन प्रोडक्शन। सो यूज़र फ्लो में हम क्या करेंगे, एक स्टोरी क्रिएट करेंगे अपने पूरे प्रोडक्ट की, कि हमारे प्रोडक्ट की पूरी स्टोरी किस तरह से, प्रोडक्ट जैसा कि आपको एक सैंपल नज़र आ रहा होगा मेरी स्क्रीन पर। तो इसमें क्या है कि बॉक्सेस बने हुए हैं डिफरेंट, और वो बॉक्सेस ये डिफाइन कर रहे हैं कि अगर यूज़र लॉगिन करेगा तो वो किस स्क्रीन पर लैंड करेगा, अगर वो साइन अप कर रहा है तो वो किस स्क्रीन पर लैंड करेगा, अगर वो ऐड टू कार्ड कर रहा है या वो किसी प्रोडक्ट को डिलीट कर रहा है
तो वो किस तरह से किस स्क्रीन पर लैंड कर रहा होगा। ठीक है, ये पूरी स्टोरी हमारी एक क्रिएट हो जाती है यूजर फ्लो में। उसके बाद हम सेकंड स्टेप पे आते हैं अपने स्केचेस पे। स्केच में हम रफ सा स्केच क्रिएट कर सकते हैं। स्केच क्रिएट करने का मकसद ये होता है कि भाई आपको ये पता हो कि कौन सा एलिमेंट कहाँ पे आप प्लेस करेंगे, एक रफ सा स्ट्रक्चर आपको पता चल जाता है आपके प्रोडक्ट का। फिर हम फर्दर उसी चीज़ को मॉडिफाई करते हैं, उसको वायर फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। वायर फ्रेम दो किस्म के हो सकते हैं, लो फिडेलिटी भी हो सकता है और हाई फिडेलिटी भी हो सकता है। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दोनों नजर आ रहे होंगे। ठीक है, एक एक है हमारे पास लो फिडेलिटी और एक है हाई फिडेलिटी। ठीक है, लो फिडेलिटी में हम सिर्फ बॉक्सेस रख के डिफाइन कर देते हैं कि भाई ये चीज़ें यहाँ पर होंगी, एक रफ सा वायर फ्रेम होता है। हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम में थोड़ी प्रॉपर स्पेसिंग वगैरह होती है, हम प्रॉपर स्पेसिंग डिफाइन करते हैं कि ये चीज़ें यहाँ पर प्लेस होंगी, इस तरह से इसकी हाइट होगी, इतना इसकी विड्थ होगी, सारी प्रॉपर मतलब क्लीन तरीके से हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम में हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद हम चलते हैं अपने डिज़ाइन की तरफ। जो हमने हाई फिडेलिटी वायर फ्रेम क्रिएट किया उसको हम डिज़ाइन में कन्वर्ट करेंगे। डिज़ाइन में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे कि हम देखेंगे अगर एक ब्रांड की यूज़र गाइडलाइन है, अगर उसकी ब्रांड गाइडलाइन है, ब्रांड बुक है, तो उसमें से हम उसके कलर पिक करेंगे। अगर उसके ऑलरेडी कलर डिफाइन है, अगर कलर डिफाइन नहीं है, कलर साइकोलॉजी डिफाइन करनी है, साइकोलॉजी मालूम करनी है कि हमने इसमें कौन से कलर यूज़ करने और इसके यूज़र किस तरह के कलर्स को पसंद करते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी भी हमें, कलर साइकोलॉजी भी हमें इंपॉर्टेंटली पता हो। और अगर आपके पास ब्रांड गाइड है तो उसमें से हम अपने कलर लेंगे, उसमें से टाइपोग्राफी लेंगे। वो पूरी एक ब्रांड गाइड क्या होती है कि उसमें आपके एक ब्रांड की पूरी गाइडलाइंस होती हैं कि आपने लोगो किस तरह से प्लेस करना है, किस तरह से आपको फॉन्ट दिखाना है, आपको कौन सा फॉन्ट होगा, वो वेट किस तरह का होगा, उसमें कलर्स कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास ब्रांड गाइड है तो हम वही कलर लेके अपने डिज़ाइन मॉकअप में फिट करेंगे। ठीक है, मॉकअप फिट करने के बाद हम उसको प्रोडक्शन में चले जाएगा, वो डेवलपमेंट टीम की तरफ चले जाएगा। डेवलपमेंट टीम से भी हमने गो थ्रू करना है कि भाई ऑल प्रोसेस ओके है, कोई स्टेप मिस तो नहीं है, कोई स्क्रीन मिस तो नहीं है। अगर कोई स्क्रीन मिस है तो आप उसे कोऑर्डिनेट करेंगे और स्क्रीन बना के डेवलपमेंट टीम को देंगे। फिर हम अपने चलते हैं लॉन्च प्रोडक्ट की तरफ। डेवलपमेंट टीम से क्रिएट होने के बाद, सब चीज़ें बनाने के बाद, हम उस प्रोडक्ट को लॉन्च कर देंगे। लॉन्च करने के बाद हम साथ साथ ये भी देखते रहेंगे कि उसकी पोजीशनिंग सही हुई है, उसका फीडबैक भी मालूम करते रहेंगे और हम उसको चेक भी करते रहेंगे साथ साथ। लास्ट स्टेप हमारा है अगेन एनालाइज। हमने एक पहले एनालाइज किया था, अब हम अगेन एनालाइज करेंगे अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद। लॉन्च करने के बाद हम ये देखेंगे कि प्रोडक्ट सही जा रहा है, जिस डायरेक्शन में हमने बनाया उस डायरेक्शन में यूज़ हो रहा है, या जो गोल अचीव करने के लिए हम इस प्रोडक्ट को बनाया था क्या वो गोल अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो ये मालूम कैसे होगा, जब हम यूज़र कोई ऐप यूज़ करेगा तो हमने उससे वापस एक छोटा सा इंटरव्यू कंडक्ट करना है, उससे मालूम करना है कि भाई अब आपको ये जो आपकी प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हुई है या नहीं हुई है। एज अ यूएक्स डिज़ाइनर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म नहीं हुई है, अभी हमने वापस उससे इंटरव्यू कंडक्ट करना है या यूज़र का उसके उस ऐप को यूज़ करके रिस्पॉन्स क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। और अगर नेगेटिव आ रहा है तो हम यूज़र से पूछेंगे कि भाई आपका मसला अब कहाँ आ रहा है, आपकी फ्रस्ट्रेशन अब क्या है, आपके पेन पॉइंट अब क्या हैं। हम वापस रिसर्च करेंगे, यूज़र से मालूमात करेंगे कि भाई आपके मसले क्या हैं, उस यूज़र से वापस हम मालूम करेंगे, रिसर्च करेंगे। तो कहने का मकसद ये है कि एज अ यूएक्स डिज़ाइनर आपका काम खत्म नहीं होता जब तक आप उस प्रोडक्ट को और बेटर नहीं बना सकते। जैसे मैंने पहली क्लास में कहा था कि यूएक्स में क्या होता है कि एक्सपीरियंस ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, एज अ यूएक्स डिज़ाइनर आप उस एक्सपीरियंस को बेटर बना रहे होते हैं। ठीक है, आप उसको और बेहतर से बेहतर कर रहे होते हैं। तो क्या कहने का मकसद है कि आपने एक प्रोडक्ट को लॉन्च कर दिया, आप वापस यूज़र से पूछ रहे हैं कि भाई आपकी कोई मसला है, आपकी कोई परेशानी है, आप मुझे बताएं ताकि हम उसको रिजॉल्व कर सकें, क्योंकि जब आपको प्रॉब्लम पता होगी तभी आप उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। तो कहने का मकसद ये प्रोसेस आपका साइकिल चलती रहेगी जब तक आपका प्रोडक्ट बेहतर से बेहतर नहीं हो सकता। ठीक है, आप इसी प्रोसेस को करते रहेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर वापस आप रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने के बाद जो यूज़र ने आपको फीडबैक दिया है उसको आप इम्प्लीमेंट करेंगे अपने डिज़ाइंस में, देन डेवलप करके वापस उसको लॉन्च करेंगे। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक आपका प्रोडक्ट बेहतर से बेहतर नहीं हो जाता। तो हर यूएक्स डिज़ाइनर का अपना यूनिक प्रोसेस हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि ये प्रोसेस सही हो और वो गलत हो। ठीक है, हर बंदे का अपना अलग प्रोसेस हो सकता है। काफ़ी सारे यूएक्स प्रोसेसेस आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, आप उनको देखें, समझें और जो आपके हिसाब से ज़्यादा बेहतर प्रोसेस है आप उसको लेके चलें। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको काफ़ी समझ आई होगी। आई नो थोड़ी थ्योरेटिकल थी लेकिन बहुत काम की थी। अगर आपने इस चीज़ों को समझ लिया तो आप एक बेहतर यूएक्स डिज़ाइनर बन सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि अपकमिंग वीडियोज़ का आपको पास नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।